ना अहलक या रमजान। देखिए अगर आपको भी रमजान में इतने मजे के मूंग दाल के पकोड़े बनाना सीखने हैं तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी रमजान में इतने मजे के मूंग दाल के पकोड़े बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है कुकिंग विद गुन्नाश YouTube। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुन्नाश YouTube चैनल। आज हम आपको रमजान स्पेशल में बनाना सिखा रहे हैं मूंग दाल के पकौड़े। आज हम मूंग दाल के पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं। ये हमने 250 ग्राम मूंग दाल ली है, इसको हमने साफ करके धो के भिगो दिया। ये 2 घंटे हो गए भिगे हुए, इसका हमने पानी निकाल दिया। इसको ग्लेंडर करेंगे। इसके बाद जो मसाले चाहिए उसमें हमने अब प्याज लिए। प्याज को हमने इस तरीके से बारीक लच्छे काट लिए। हमें हरा धनिया चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए। और पकोड़े का जो मसाला हमने आपको बताया था वो पकोड़ा मसाला डालेंगे। पकोड़े मसाले की रेसिपी हमने आपको दे दी थी, वो आई बटन में आपको मिल जाएगी। चले हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री। देखिए दाल हमने भिगो दी थी 2 घंटे, अब दाल का हमने पानी निकाल दिया, इसको हम पीस रहे हैं। देखिए हम जो मूंग दाल के पकोड़े आपको बता रहे हैं उसको हमने आपको बता दिया था, 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसको अब हमने पीस लिया। देखिए हमने किस तरीके से बारीक पीसा इसे, हमें इतना ही बारीक चाहिए। अब इसमें हम मिला देंगे मसाले। पकोड़े बनाने का जो मसाला बताया था वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए हम इसमें ये मसाला डाल देंगे तो हमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच हमने मसाला डाल दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और नमक आपको बताना भूल गए थे, नमक डाल देंगे इसमें। हमने नमक भी 1 चाय का चम्मच लिया, ये नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और इसी के साथ डाल देंगे प्याज। प्याज और ये सब मसाले जो आप बाद में मिलाए करें, बहुत से लोग ऐसा होता है कि दाल पीस के और उसमें सूखे मसाले मिला के रख देते हैं, वो इस तरह नहीं करा करें क्योंकि मसाले जो होते हैं उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है और पकौड़े आपके अच्छे नहीं बनते। आप उसको एंड में मिलाया करें जब आप उसको बनाने लगें, प्याज व्याज सब एंड में मिलाया करें। भले दाल पीस के आप उसको रख दें 1/2 घंटा या 10 मिनट जो भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन मसाले जब आप बनाएं जब ही मिलाएं। देखिए तेल हमने गरम करने रख दिया, हमने सरसों का तेल लिया है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप दूसरा तेल ले लीजिएगा। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसके हम बनाएंगे पकौड़े। देखिए तेल गरम हो चुका है और सारा मसाला भी हमने मिला लिया है। देखिए इसमें हमने बेसन नहीं मिलाया है, बहुत से लोग मिलाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं मिलाएंगे। अब इसके हम पकौड़े बनाना शुरू। देखिए इसमें हम पकौड़े डाल रहे हैं, दाल के पकोड़े देखिए तल चुके हैं, हमें इतने ही चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। इसको आप निकाल लेंगे, देखिए मूंग दाल के जो पकोड़े आपको बनाना सिखा रहे थे वो सारे तैयार हो चुके हैं। देखिए सारे हमने तैयार कर दिए, सिर्फ लास्ट के रह गए, आखिरी रह गए, उसे हम निकाल लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए आज हमने आपको रमज़ान स्पेशल में मूंग दाल के पकोड़े बनाना सिखाया है जो बहुत मज़े के बने और बिल्कुल सिंपल तरीके बने हैं। और इसमें जो हमने मसाला डाला है उसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी क्योंकि हम इससे पहले आपको बनाना सिखा चुके हैं पकोड़ों का मसाला। वो आप मूंग दाल के पकोड़े हों या किसी भी किस्म के पकोड़े हों तो उसमें डाल के बना सकते हैं, बहुत मज़े के बने हैं और मसाला भी हमारा बहुत मज़े के बना था, उस वजह से हमारे पकोड़े जो हैं वो भी बहुत मज़े के बने हैं। इसके साथ हमने खुबानी की और किशमिश की चटनी रखी है, इसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी। आप दोनों की रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी तो आप इस तरह बना सकते हैं और ये पकौड़े बहुत मज़े के बने हैं। रमज़ान में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की डिश आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम रमज़ान में जो भी रेसिपी आपको बनाना सिखाएँ वो आपको मिल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह।